आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। चंडीगढ़ के सेक्टर 23 तीर्थ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन एंड हेल्थ में आयुष कार्यक्रम के सहयोग से योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर आयुष मंत्रालय के ज्वाइंट डायरेक्टर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि सभी को अपनी जिंदगी में योग को अपनाना चाहिए। योग हमारी प्राचीन विधा है। इससे न केवल मन को शांति मिलती है बल्कि इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और कोरोना महामारी में ये साबित हो चुका है। योग की अहमियत तो बहुत है। ये हमारी एक पारंपरिक विरासत है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है और हम इसको अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए और आध्यात्मिक उत्थान के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आज के टाइम में जबकि पेंडेमिक बहुत अग्रसर रूप ले रहा है तो योग का महत्व और बढ़ गया है। हमारे फेफड़ों की स्वस्थता के लिए, इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए योग के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। सो आज के समय में बहुत योग का महत्व बढ़ गया है। एक आम आदमी को कौन कौन से ऐसे योग करने चाहिए और कब करने? किसी भी आम आदमी को अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने शारीरिक संरचना के अनुसार जो भी कॉमन योग के सिंपल योग हैं वो ज़रूर करने चाहिए और साथ में जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम हैं, वो ज़रूर करनी चाहिए ताकि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और समय जो है वो सुबह का समय सबसे उत्तम है और शुमानाम भी शाम के समय भी हम कर सकते हैं योग, तो हो सके तो खाली पेट ही करना चाहिए। वहीं आयुष मंत्रालय के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर MS भारद्वाज ने कहा कि योग को सिर्फ एक एक्सरसाइज के रूप में ना लेकर इसे साधना के रूप में लेना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। कोरोना की इस महामारी में ये साबित हुआ है कि योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसीलिए हम सबको सुबह उठकर योग करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। योगा का बहुत महत्व है जी। योग को हम एक एक्सरसाइज के रूप में ना लेके इसको साधना के रूप में लेके हमें इनको सुबह जल्दी उठ के और हमें योग साधना, योग प्राणायाम इनको करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे शरीर की तंदुरुस्ती बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, हम किसी की तरह भी, किसी की तरह की कोई बीमारी है उससे लड़ने में हम सक्षम रहते हैं। तो इस कोरोना काल में जो लोग इसका प्राणायाम और योग का हेल्प ले रहे हैं, मेरे को लगता है कि उनकी इम्यूनिटी जो है बहुत हार्ड रही है और इससे वो कोरोना से बच पाए हैं। तो और भी कोई किसी भी किस्म की कोई जो हमारी बीमारी आती है तो अगर हमारी इम्यूनिटी हार्ड है तो हमारी जो इम्यूनिटी स्ट्रांग है, प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी ठीक है तो हम बीमारी से लड़ने से सक्षम हैं। तो इसलिए योग का जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण लगातार दूसरे साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन थोड़ा फीका रहा। कोरोना की वजह से समारोह में लोगों की मौजूदगी थोड़ी कम रही और चंडीगढ़ में कोई भी बड़ा आयोजन नहीं किया गया। पंजाब के सीटीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।